भाजपा जिला अध्यक्ष के सामने फर्जी मतदान को लेकर मारपीट। सिंगरौली जिले में निगम चुनाव के शांतिपूर्ण समाप्त होने की बात कहकर प्रशासन जहां अपनी पीठ थपथपा रहा है, तो वहीं जयंत वार्ड 20 के मतदान केंद्र में भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल की मौजूदगी में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच फर्जी मतदान को लेकर मारपीट के मामले ने प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खोल दी है। वार्ड 20 के मतदान केंद्र में कांग्रेस प्रत्याशी प्रभा पटेल के एजेंट को एक महिला मतदाता पर शक हुआ कि भाजपा का एक कार्यकर्ता एक 45 साल की महिला के नाम पर 24 साल की युवती को लाता है और उसका मुंह ढकवाकर मतदान करा रहा है। तब उस एजेंट ने इस बात की आपत्ति और उन्हें रोकना चाहा, तभी वहां मौजूद भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल और उनके साथी भाजपा कार्यकर्ताओं सत्ता की हनक में पहले ही उसी कांग्रेस एजेंट के साथ मारपीट कराई और जिलाध्यक्ष ने उसे जबरन पुलिस से गिरफ्तार भी करा दिया। कांग्रेस प्रत्याशी और उसके सेनापति को भी डराया धमकाया। बीजेपी प्रशासन का हाँ सहयोग लेकर फर्जी बूथिंग वो कर रही, वोटिंग करवा रही है। यह कांग्रेस की पुरानी आदत है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी तरह से माहौल बना हुआ देखने के बाद लगातार कांग्रेस के जिस तरह से हमने प्रत्येक वार्डों में देखा कि उनके पास हताशा के अलावा कुछ नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का मुखिया होने के नाते यह कह सकता हूँ कि यह नीति हमेशा कांग्रेस वालों ने चलाई है और कांग्रेस को आज भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एक कांग्रेसियों के पीछे लगा हुआ कि उसे कब मौका मिलेगा कांग्रेसियों को जो कि फर्जी वोटिंग कराते हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एक जगह पर अपने स्थानों को अपने मतदाताओं को जानता है और सही मतदाताओं को ला करके अपने स्थान पर के यहाँ पर मतदान करा रहा है। मैं आप सबों को यह बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता लगभग 365 दिन जो है अपने बूथों पर लगे रहते हैं, इसलिए मुझे पता है, हमारे कार्यकर्ताओं को पता है कि हमारा कौन फर्जी वोटर है और कौन जो है सही वोटर। उम्मीद क्या लगती है? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। भारतीय जनता पार्टी का हमारा महापौर प्रत्याशी और 4500 वार्ड के पार्षद प्रत्याशी भी ऐतिहासिक जीत के साथ में जीतेंगे और 17 तारीख को निर्णय से पता लगेगा। यहाँ भी जैसे मतदान केंद्र अव्यवस्था देखने को मिलेगी, वोटर आ रहे हैं उनका वोट पहले से डल चुका है, देखिए यह पीठासीन अधिकारी की कमी है। अगर पीठासीन अधिकारी के रहते हुए अगर कोई फर्जी वोट का इस्तेमाल किया है, मैं चूंकि स्वयं मतदान करके आया हूँ और मैंने अपनी 85 साल की माता जी को भी मतदान कराया है और उनका भी मैंने वोटर आईडी कार्ड दिखाने के बाद ही अपना मतदान किया है मैंने, तो यह यहाँ के प्रत्येक पीठासीन अधिकारियों की यह सोच होनी चाहिए कि अगर उसका नाम है और उसके चेहरे पर अगर हमारा बैठा हुआ कोई भी दल का एजेंट अगर आपत्ति कर रहा है तो उसका बगैर जो है वोटर आईडी कार्ड देखे बगैर उसको मतदान नहीं कराना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है
तो यह संज्ञान में बात आई है, उस के लिए हम सक्षम अधिकारी से बात भी करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी ने एक और आरोप लगाया कि महाजन मोड़ के पास एक वो है मतदान केंद्र है, वहाँ पे अगर पीठासीन अधिकारी जाके बीजेपी का बटन दबा रहे हैं। ये मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस पार्टी जो कि अभी तक यह मानती थी कि हम भारतीय जनता पार्टी के टक्कर में हैं, आज मतदान देखने के बाद कांग्रेस पार्टी को यह समझ में आ रहा है, हताशा हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज़्यादा मतदान गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यह कांग्रेस वाले लोग, पुरानी आदत है कांग्रेस वालों का, हमेशा इसी बात का रोना है। अभी जिस दिन हमारा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमारा प्रत्याशी जब जीतेगा उस दिन वह EVM पर आरोप लगाएंगे, तो यह उनके आरोप का एक षड्यंत्र पूर्वक हमेशा से साजिश रही है कि उनको इस तरह के साजिश के तहत अपने आम जनमानस को गुमराह कर। टक्कर किससे मानते हैं? हमारी किसी से टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा मतों से जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी के सामने में वो बहुत ही अंतर की संख्या में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत के दो चरण हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नगरीय निकाय का जो निर्वाचन है उसका एक प्रथम चरण में जो हमारा नगर निगम क्षेत्र था उसमें 240 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्वक मतदान संपादित हुआ है और सभी पोलिंग पार्टीज जो उन्होंने जो मतदान अपने मतदान केंद्रों को संपादित कराया वो अभी अपने जो पचौर में जो सामग्री संग्रहण स्थल है वहाँ तक निकल चुकी हैं और किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना इस दौरान घटित नहीं हुई। लगातार जो है जो भी निर्वाचन की प्रक्रियाएं हैं उसके तहत आगे आने वाली प्रक्रियाएं भी संपादित। मैं अपना परिचय दे रहा हूँ, कांग्रेस प्रत्याशी प्रभा पटेल के मैं पति हूँ KP पटेल। यहाँ जो है 9:15 बजे से मतलब सुबह 8 बजे से फर्जीवाड़ा शुरू हो गया है। भाग कमरा एक में जितने भी सैलो बस्ती की हैं वो हैं कि नहीं है, जिंदा हैं कि नहीं है, दो दो बार तीन तीन बार वोटिंग कराया गया। यहाँ तक कि हमारे जो और वोटर थे उनका वोट भी पड़ चुका, जिसमें कि हम सबूत दे सकते हैं उनका वोट पड़ गया 1 घंटे के अंदर। आपने शिकायत दर्ज कराई कि? शिकायत दर्ज कराई, हमने बोला पीठासीन से बोल रहे हैं, सबसे तो बोल रहे हैं, मेरी शिकायत कौन सुनने वाला है? मेरी शिकायत कोई तो सुन नहीं रहा। वगैरह एड्रेस प्रूफ है तो आपके भी एजेंट तो रहे होंगे, तो एजेंट रहे हैं, जब एजेंट पकड़ रहे तभी तो वो हो रहा कि मतलब ऐसा क्यों किया जा रहा है। अभी मारपीट काहे के लिए हो रही है? मारपीट ये हुए कि फर्जी एक मतलब 24 साल की महिला 52 साल की महिला बन के आई, उनके साथ एक सहयोगी थे वोट डाल चुके थे, जब उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों हो तो बोले कि हम वोट डालने आए, ये उंगली छुपा के, जब वो बोला कि उंगली अपना खोलो, वो लड़के को पहचानता था, वो मेरा वो जो एजेंट है वो उस लड़के को पहचानता कि ये जो है फर्जी है, उसी में पकड़ा, उसी में पूरा BJP के पदाधिकारी जिला अध्यक्ष जितने भी मंडलीय अध्यक्ष जो भी हैं पूरा टोटल दल पूरा जो उनका ग्रुप वहाँ पर मौजूद था। जब ये हुआ कि इस महिला को रोका जाए, फर्जीवाड़ा किया गया तो क्यों नहीं रोका गया उस महिला को? वो दावा कर रहा है, क्यों नहीं रोका गया? आरोप यह है कि यहाँ पूरा फर्जीवाड़ा हो रहा है। किसके इशारे? भाजपा के इशारे पे और पुलिस प्रशासन के इशारे पे सारा लोग उसमें लगा हुआ है, पुलिस प्रशासन भी उसमें आरोप लगा रहे हैं कि आपके जो एजेंट हैं उनके द्वारा महिला से मारपीट की गई। नहीं, गलत है, कोई मारपीट नहीं की गई, कोई कुछ ऐसा कुछ नहीं किया गया, गलत है।